कमिंग टू लास्ट काइंड ऑफ नाउन दैट इज योर फिफ्थ वन मटीरियल नाउन. टिल नाउ अगेन आई एम सेइंग वी हैव डिस्कस्ड फोर काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ कमिंग टू लास्ट काइंड ऑफ नाउन दैट इज योर मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन से आपको समझ में आ रहा है किसी चीज़ के बारे में, मटीरियल के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट. फाइन, नाउ लेट्स सी द मीनिंग, व्हाट यू मीन बाय मटीरियल नाउन. सो मटीरियल नाउन नेम्स द मटीरियल, अगेन आई एम सेइंग कोई चीज़ के बारे में, और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड अप ऑफ, या फिर जिससे चीज़ें बनती हैं, जिसकी हेल्प से चीज़ें बनती हैं, कोई भी चीज़ बनती है, दैट आर नोन एज योर मटीरियल नाउन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मटीरियल यहाँ पे आपका इंक्लूड करेगा कुछ चीज़ें, जो आपका चीज़ें हो गई. सेकंड आपका जो है उस चीज़ की हेल्प से आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, सो दैट इज़ योर मटीरियल नाउन. सो लेट सी द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर वन, कैल्शियम इज़ अ गुड मिनरल फॉर हेल्थ. So here calcium is a material now. Yes, it's the name of a mineral, and here you will say calcium is the name of material now. Fine, यहाँ पे आपका calcium material है. Fine. Now coming to example number two, most of the industries use fiber. Fiber आपका it's again a name of a material. Okay, material है, इससे चीज़ें बनती हैं. Fine. Let's see the examples. Okay, material nouns from nature. Nature से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. We have water, air, silver, gold, iron, salt. So these are your material nouns. Fine. Material nouns from animals. Animals से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. Egg, meat, honey, milk, wool. So again यहाँ पे जो है egg, meat, honey, milk, wool. So these are your material nouns. Fine. And मटीरियल नाउन्स फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स से आपको यहाँ पे क्या है, क्या मिलती है, क्या चीज़ें मिलती है. फूड, कॉटन, वुड, कॉफ़ी, टी. सो दीज आर दी मटीरियल नाउन्स. लेट सी वन एग्जाम्पल. हनी इज होलसम फूड एंड बेनिफिशियल टू हेल्थ. हनी इज होलसम फूड एंड बेनिफिशियल टू हेल्थ. सो हेयर हनी इज योर मटीरियल नाउन. फाइन. सो मटीरियल नाउन पे अगेन वॉट वी हैव डिस्कस्ड कि मटेरियल नाउन का मतलब होता है कोई चीज़ें या फिर ऐसी सब्सटेंस या मटेरियल जिसकी हेल्प से हम कुछ चीज़ें क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल मिल्क. मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती है. आपकी यू कैन मेक कप ऑफ कॉफ़ी, यू कैन जस्ट प्रिपेयर योर टी, और यू कैन हैव आप खीर बना सकते हैं. सो लॉट मेनी थिंग्स आर देयर. और आपका फिर कमिंग टू गोल्ड. गोल्ड से आपकी ज्वेलरीज बनती हैं. सो अगेन आपका गोल्ड क्या है, गोल्ड आपका मटेरियल हुआ यहाँ पे. फाइन. एंड मिल्क. मिल्क में यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क अगेन. तो मिल्क आपका क्या हो गया, मटेरियल हो गया, एक नाम हो गया चीज़ का. फाइन. एंड हनी. हनी से भी यू कैन मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड हनी इज आल्सो कंसिडर्ड एज मटेरियल नाउन. ओके. नाउ सी दिस एग्जाम्पल. हनी इज होलसम फूड एंड बेनिफिशियल टू हेल्थ. So here in this example, honey is your material noun. What I said? Honey in this example is your material noun. Okay. Now coming to a very important note. So just make sure कि आपका जो sentence है वो कैसा है, आपका जो भी sentence है वो कैसा है, and उसकी जो meaning निकल के आ रही है वो क्या है. Are you getting my point? What I am trying to say, see, you have to check that sentence, वो जो भी आपका सेंटेंस है वो कैसा है और उसकी मीनिंग कैसे निकल के आ रही है. Why I am saying this? Because see, proper noun it is very clear, okay? Abstract noun it is very clear and collective noun it is also very clear. You can figure it out कि आपके सेंटेंस में कहाँ collective है, कहाँ abstract है, कहाँ proper है. The only problem comes with your material and common noun, okay? हमारा जो प्रॉब्लम आता है, स्लाइट प्रॉब्लम इज देयर विथ मटेरियल एंड कॉमन नाउन. व्हाई? बिकॉज कभी कभी जो एक वर्ड होता है वो आपकी मटेरियल की कैटेगरी में भी फॉल करता है और वो कॉमन में भी फॉल करता है. दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग जस्ट मेक श्योर कि आपका सेंटेंस कैसा है और उसकी मीनिंग कैसे निकल के आ रही है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई सेड ओवर हियर, हनी यहाँ पे जो आपका है मटेरियल नाउन के केस में, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. और इस यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल है, हनी इज होलसम फूड एंड
बेनिफिशियल टू हेल्थ, यहाँ पे हनी आपका मटेरियल है। यू हैव टू चेक कि मान लीजिए सेकेंड सेंटेंस में हनी किसी और वे में यूज हुआ हो, कॉमन वे में यूज हो, इट डिपेंड्स, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट डिपेंड्स कि आपका सेंटेंस कैसा है और उसकी मीनिंग कैसी है। एंड यू हैव टू चेक इन केस ऑफ कॉमन नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स, कॉमन नाउन के केस में और मटेरियल नाउन के केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर दैट पर्टिकुलर वर्ड इज यूज इन द सेंस ऑफ मटेरियल और वेदर इट इज यूज इन सेंस ऑफ कॉमन। फाइन, सो वंस अगेन I will tell you there are 5 kinds of nouns. One is your proper noun, second is common noun, third is your collective noun, fourth one is your abstract noun, and the last 5th one is your material noun. Okay, class?